तो सबसे पहला सवाल हमारे आगे कि व्हाट इज इनकम टैक्स, जो पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में वो चीज है क्या? क्या आपको कोई टेक्निकल लैंग्वेज याद करनी है? नहीं करनी है आपको, किसको पूरा टेक्निकली वर्ड्स में समझाना है? नहीं, आपको मीनिंग पता होना चाहिए. सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, वो क्लियर हो कि हमारे लिए क्या है. देखो ये सीक्रेट बात है, सिर्फ आपके और मेरे बीच में, कहीं किसी के साथ शेयर मत कर देना, ठीक है? वो ये, इनकम टैक्स कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का एक कमीशन है. गवर्नमेंट हमसे क्या कर रही है, कमीशन चार्ज कर रही है, कह रही है अरे भाई अकेले अकेले मत कमाओ, जितना कमाओगे ना थोड़ा हमें भी दे दो, ठीक है? बट किसी को मत शेयर कर देना, गलत बात हो जाएगी, वो कहेंगे अरे कमीशन नहीं है ये. देखिए सुन, एक एज अ कमीशन इसको समझ के चलिए, गवर्नमेंट क्या कह रही है, देखो भाई तुमने अर्न करा है, इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए. हमने कहा भाई आपको क्यों चाहिए हिस्सा, किस लिए, आपने करा क्या है? गवर्नमेंट कहती है जिस कारण से आप अर्न कर पाए हो ना उसमें मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे है, गवर्नमेंट आपको रीजन देती है, वो कह रही है कि देखो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, जिस रोड के थ्रू आप अपने ऑफिस तक गए वो रोड हमने कंस्ट्रक्ट करी है, जिस फैसिलिटी में, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो वो हमने प्रोवाइड करा है, जिस सेफ्टी के साथ रिलैक्स होकर आप अपने घर को छोड़ के जा रहे हो या अपने ट्रेवलिंग कर पा रहे हो वो हमने दिया है, तो जो सुबह आप पानी पी रहे हो वो पानी की फैसिलिटी, वो वाटर फैसिलिटी हमने दी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हमने दी, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है आपको. अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग पे कर रहे हो वह ठीक है, बट ऑल ओवर सब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की देने, एक पूरे नेशन को बिल्डअप करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है. सो वो जो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है ना, उसको वो अपनी जेब से कहां से पे करेगी? उसको कोई ना कोई तो रिवेन्यू का सोर्स चाहिए ना कहीं से, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा तभी उसको फर्दर स्पेंड कर पाएगी. उसी के लिए वो हमसे क्या चार्ज करती है, टैक्स. सो टैक्स क्या है, टैक्स एक एक्स्ट्रा पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं किसी ना किसी बेसिस पे. अब दो तरीके के टैक्स हो जाते हैं मेनली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में अभी बात करता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस करेंगे. इनकम टैक्स और जीएसटी, दो मेजर टैक्स हमारे इंडिया में है. इनकम टैक्स, जब कुछ अर्न करा है, कुछ कमाया है, तो सारा का सारा पैसा आप दे रखोगे, थोड़ा सा आप गवर्नमेंट को भी दोगे, वो है इनकम टैक्स. जब जीएसटी, जब आपने कुछ खरीदा है, कुछ परचेज किया है, तो गवर्नमेंट कहती है अरे भाई सारा फायदा अपने आप लोगे क्या, जो सामान खरीदा है सारे मुझे मत लो, थोड़ा सा हमें भी दे दो, तो वहां पे भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है. सो परचेज, सेल परचेज पे कौन सी चीज लगती है, जीएसटी लगती है. जब आप अर्निंग के ऊपर कोई टैक्स पे कर रहे हो तो वो क्या होता है, इनकम टैक्स होता है. सो जितना ज्यादा आप इनकम करोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. आपने अर्न करे हैं 2 लाख रुपीज, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. स्लैब रेट देखेंगे, सब चीजें समझेंगे, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे. मेरी इनकम 10 लाख है तो मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, आपकी इनकम 20 लाख है आपको और ज्यादा पे करना होगा, आपकी 30 है और ज्यादा, तो जिसकी जितनी इनकम उसको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा. क्लियर है ये वाली बात? ओके है. सो दैट्स व्हाट इज इनकम टैक्स. तो इनकम मतलब जितना आपने, इनकम मतलब जितना पैसा इंटरनली कम हो रहा आ रहा है उसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना पड़ा वो आपका क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया. क्लियर है पूरी?